नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से फूला नहीं समाएगा। एक ऐसा किस्सा जो आपकी भारतीय जवानों के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा भाव को और भी ऊंचा कर देगा, आपको गर्व महसूस कराएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की पूरी कहानी हम जानेंगे कुछ मिनट के इस वीडियो में। साल 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उन लड़ाइयों का नाम है जो दोनों देशों के बीच अगस्त 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुई थी। इस युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि सन 1947 के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए दूसरी बार भारत पर हमला किया था, पर भारत ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए राजी होने पर मजबूर कर दिया। आज इस युद्ध से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको 5 मिनट में देने की कोशिश करेंगे। युद्ध से पहले कच्छ के रण का विवाद। 1947 की आजादी के बाद दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे के सिवाय कच्छ के रण की सीमा का विवाद भी साथ साथ चल रहा था। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है और यह एक दलदली और बंजर इलाका है। पाकिस्तान इसके एक बड़े हिस्से पर अपना हक मानता था। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में पाकिस्तान जानबूझकर झड़पें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन हेजर्ट हॉक नाम दिया था। 1 जून 1965 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को रुकवाने का काम किया। अगली कड़ी में शुरू हुआ ऑपरेशन जिब्राल्टर। कच्छ के रण की झड़पों से उत्साहित होकर पाकिस्तान के राजनेताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष अयूब खान पर दबाव डाला कि वह कश्मीर पर हमले का आदेश दें। अपने नेताओं के कहने पर अयूब खान ने गुप्त सैनिक अभियान ऑपरेशन जिब्राल्टर का आदेश दे दिया, जिसका उद्देश्य भारतीय कश्मीर में विद्रोह भड़काना था। पाकिस्तान के भारत पर हमला करने के कुछ और कारण भी थे, जैसे कि 1965 से पहले 1962 में भारत चीन से जंग हार चुका था और पाकिस्तान को अमेरिकी गुट में शामिल होने के कारण उससे काफी तरह की आधुनिक हथियार भी मिल चुके थे, जबकि भारत को किसी देश का साथ नहीं था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के 25,000 से 30,000 सैनिक कश्मीर के स्थानीय लोगों के कपड़े पहनकर भारत के कश्मीर में घुसे, ताकि वहां के लोगों को भड़का सकें। भारतीय सेना को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हमला बोला। 28 अगस्त तक भारत पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका था और भारत ने हाजीपीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। उधर भारतीय सेना पाकिस्तानी कश्मीर के महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद के सिर पर आ पहुंची थी। मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिहाज से 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के शहर अखनूर पर कब्जा कर कश्मीर का भारत से संपर्क तोड़ना था, ताकि मुजफ्फराबाद के लिए लड़ रहे भारतीय सैनिकों की रसद और संचार व्यवस्था को रोक दिया जाए। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का प्रभाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आदेश पाकर भारतीय सेना ने 6 सितंबर को पंजाब से नया मोर्चा खोल दिया, ताकि लाहौर पर कब्जा किया जा सके। लाहौर पर हमले की खबर सुनते ही कश्मीर में लड़ रही पाकिस्तानी सेना लाहौर को बचाने के लिए निकल पड़ी। कश्मीर में पाकिस्तान का प्रभाव कम होने के साथ ही उसका ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो चुका था। लाहौर वाले एरिया में पकड़ मजबूत करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट पर हमला कर दिया, पर इस अभियान में भारत को सफलता नहीं मिल पाई। उधर पाकिस्तान ने अमृतसर पर कब्जा करने के लिहाज से खेमकरण सेक्टर पर हमला कर दिया। खेमकरण के असल उताड़ गांव में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान हार गया। असल उत्तर की लड़ाई में पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा अमेरिकी पैंटन टैंक थे, पर उनमें से 100 से भी ज्यादा भारत द्वारा नष्ट कर दिए गए। यूं कहिए, भारतीय जवानों के हौसले के सामने उनके टैंक भी टिक नहीं पाए। असल उत्तर की इस लड़ाई में ही वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के 3 टैंक तबाह करके शहीद हो गए थे। हम अब्दुल हमीद की इस शहादत को बार बार नमन करते हैं।
यूएन द्वारा दोनों देशों पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। भारत युद्ध विराम के लिए राजी था, पर लड़ाई तब तक नहीं रोकी जब तक कि पाकिस्तान भी इसके लिए राजी ना हो गया। अतः दोनों देश 22 सितंबर को युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। 23 सितंबर की सुबह 3 बजे शास्त्री जी ने देशवासियों को युद्ध बंद होने की जानकारी दी। ताशकंद समझौता। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में रूस के ताशकंद शहर में दोनों देशों का समझौता कराया गया, जिसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे की जीती जमीन वापस करनी थी। शास्त्री जी ने जीती हुई जमीन वापस करने को इनकार कर दिया था, या यूं कहिए कि वो इस बात पर सहमत नहीं थे, पर बड़ी शक्तियों के दबाव में उन्हें मजबूरन इस समझौते पर दस्तखत करने पड़े। इस समझौते के कुछ घंटे बाद ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम लाल बहादुर शास्त्री जी के साहस और उनके योजनाबद्ध तरीके से युद्ध को जीतने की कला को बार बार नमन करते हैं। इसके अलावा भी युद्ध से जुड़ी कुछ बातें हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। नंबर एक, ताशकंद समझौते के तहत फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सीमाएं अपनी अपनी जमीन पर वापस चली गई थी। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 720 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर, जबकि पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ 210 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया था। भारत के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके थे और पाकिस्तान के कब्जे में सिंध और छेब के रेतीले और कुछ पथरीले इलाके थे। नंबर तीन, युद्ध के बाद ही भारतीय सेना में से मुस्लिम रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि युद्ध के दौरान भारत के 2 मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया था और लगभग 20,000 मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान के आगे हथियार डाल दिए थे। उनकी इस बेवकूफी के कारण उस समय भारत को काफी नुकसान हुआ था। नंबर चार, इस युद्ध में पहली बार दोनों देशों की हवाई सेनाओं ने भी भाग लिया था, जिन्होंने एक दूसरे का बराबर बराबर का नुकसान किया था। पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए जहाज थे और भारत के पास रूस और यूरोपियन देशों के खरीदे हुए जहाजों का मिला जुड़ा बेड़ा था। आशा करता हूं यह वीरगाथा आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसी ही वीरगाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।